हेलो गाइस, यू वाचिंग नितिन मिश्रा। और यार बहुत सब मस्त हो गए, मैं कुछ पता है। ठीक है, मस्त तैयारी करे होगे, मस्त पढ़ाई करे होगे। तो यार तुम लोग मोस्ट टाइटल लेके आओगे आज, तो भैया टॉपर का शेड्यूल बताएंगे। ठीक है, तो मेरे को क्योंकि बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे इस बारे में, तो मैंने सोचा इसको ही टाइटल रख के तुम्हें थोड़ा समझाया जाए। ठीक है, तो यार जो भी इस वीडियो में अपन टॉपर का शेड्यूल बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करने वाले। ठीक है, क्योंकि यार ये चीज़ें बर्बाद करती हैं, सच बोल रहा हूँ मैं तुम्हें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे वायरल हो जाते हैं यार बिल्कुल ऐसे टॉपर के शेड्यूल कहीं से इंटरव्यूज से। ठीक है, और तुम लोग फॉलो करते हो उसको, फिर कुछ मुझे मैसेजेस आते हैं, भैया मेरे को तो रिजल्ट ही नहीं मिला। तो यार तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर अलग है, उनकी ग्रास्पिंग पावर अलग है। ठीक है, कोई इस एग्जाम को, अगर कोई भी एग्जाम को तुम टारगेट कर रहे हो, तो उसको तुम तभी फोड़ पाओगे जब तुम्हारा खुद का पैशन होगा, जब तक तुम्हारा खुद का डिवोशन होगा। ठीक है, अगर तुम दूसरों को फॉलो करते रह गए ना, तो तुम्हें एग्जाम पेलता रहेगा। ठीक है, मतलब तुम एग्जाम को नहीं फोड़ोगे, एग्जाम तुम्हें फोड़ेगा। तो तुम्हें एक सिंपल सी चीज करनी है, खुद के ऊपर फोकस करो, खुद की शेड्यूल बनाओ, खुद का टाइम टेबल फोकस करो, खुद के हिसाब से करो। ठीक है, अब यार आती है मेन मुद्दे की बात, जो इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, टॉपर्स टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, इस चीज पर अपन फोकस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है जानने वाली। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आते हैं, भैया टाइम मैनेज नहीं होता मुझसे, भैया मुझसे या मेरे को समझ नहीं आता टाइम कहाँ चला जाता है, भैया मैं दिन भर बैठ के पढ़ता हूँ, प्रोडक्टिविटी नहीं है मेरे अंदर। ठीक है भैया, आप कैसे पढ़ते थे, आप इतना मतलब आप स्कूल के साथ कैसे आपने इतनी जल्दी पढ़ लिया। ठीक है, तो इसी बारे में डिस्कस करने आ रहे हैं। ठीक है, वीडियो के अंदर वीडियो पूरी एंड तक देखना, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें सिखा दूंगा। ठीक है, और जो नया है चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो के लिए लाइक बनता है बिल्कुल। ठीक है, तो यार जो बिना टाइम वेस्ट किए अपन पहले पॉइंट पे फोकस करते हैं। ठीक है, और जो भी पॉइंट यार ऐसा तुम्हें लगेगा कि भैया ये तो बहुत कॉमन सेंस वाला पॉइंट है, आप ये तो हमको पहले से ही पता था, आप इसमें नया क्या बता रहे हो, तो यार इसमें कुछ नया पॉइंट जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसलिए बता रहा हूँ। तो यार जो पहला पॉइंट है वो है कि सुबह उठ के सबसे पहले क्रिएट टू डू लिस्ट। ठीक है, नाम ऐसा बोल दिया इंग्लिश में, पर ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोज में पहले ही बोल चुका हूँ, ये बहुत सारे बुक्स में भी लिखा जा चुका है। ठीक है, इसको तुम्हें डेली करना है, ऐसा नहीं कि तुम एक वीक के लिए बना के रख देते हो, एक महीने के लिए बना के रख देते हो, नहीं। तुम्हें रोज सुबह उठ के 5 से 6 मिनट अपना टाइम इस चीज़ में देना है कि आज तुम्हें करना क्या है। तो इससे तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं होगा ये सोचने में कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, और इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज रहेगी। सेकेंड पॉइंट, इसको अचीवेबल रखना है। ठीक है, मतलब इतने टारगेट्स रखो, इतना अपना काम रखो कि अचीव हो जाए रात तक, नहीं तो क्या होगा एंड ऑफ द डे पे तुम बहुत डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है भैया, हम कैसे सेट करें इसको, 2-3 दिन ट्राई मार लो कि तुम कितना कर सकते हो, और उस हिसाब से फिर सेट कर लो। ठीक है, या फिर अपने इफर्ट्स बढ़ा दो। ठीक है, तुम्हारी जितनी प्रिपरेशन की लेवल के हिसाब से। तीसरा पॉइंट, इसको प्रायोरिटी वाइज रखना है। ठीक है, मतलब अगर कोई टेस्ट आ रहा है या फिर कोई भी चीज़ आ रही है, तो इस हिसाब से प्लान करना है कि इसको ये काम अभी जल्दी करना है, ये अभी मेरा 11th का रिव्यू, चलो टाइम है मेरे पास इसके लिए, तो इसको मैं थोड़ा एंड में कर सकता हूँ। ठीक है, तो प्रायोरिटी वाइज रखना है। यार पूरे दिन में सबके पास एक ऐसा टाइम होता है जहाँ पे उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे किसी के लिए सुबह होती है, किसी के लिए रात होता है, किसी के लिए शाम होता है। ठीक है, तुम्हें वो टाइम फिगर आउट करना है और उसमें अपना सबसे मुश्किल काम करना है जिंदगी, मतलब पूरा मुश्किल काम, जैसे रोटेशनल मोशन पढ़ना हो गया। ठीक है, तो ये जब तुम करोगे ना, तुम्हारा टाइम वेस्ट कम होगा, तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये हो गई टाइम वेस्ट वाली चीज़ें। ठीक है, अब भैया मेरी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, इसको कैसे करूँ। तो यार मैंने बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स देखे, ऐसा बोलते हैं वो लोग कि तुम 3 घंटे स्ट्रेच में बैठ के पढ़ना शुरू कर दो और ये तुम्हें जेई में हेल्प करेगी। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, हेल्प करेगी। पर अगर अभी तुम नए हो, ठीक है, अगर तुम अभी 11th क्लास में हो, ठीक है, अगर तुम 12th में भी हो और तुम्हारा मन नहीं लगता है इतना स्ट्रेच में बैठने का, तो यार सिंपल सी एक मेरी बात मान लो। क्या होता है ना, तुम 3 घंटे बैठ के पढ़ते हो, 1.5 घंटे तुम्हारा दिमाग तो पढ़ाई में रहता है, फिर 1.5 घंटे तुम ये सोचते हो कि 3 घंटे खत्म हो और फिर मैं बाहर बैठ के बाहर निकलूँ। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, 1.5 घंटे जब तक तुम्हारा मन कर रहा है पढ़ो, उसके बाद 5-6 मिनट का ब्रेक ले लो, फिर आओ, फिर पढ़ो। ठीक है, तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज नहीं होगी टाइम के साथ, वो धीरे धीरे रीजनरेट होती चली जाएगी और इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती चली जाएगी। धीरे धीरे टाइम बढ़ाते चले जाओ, थोड़ा बहुत ब्रेक का थोड़ा ब्रेक कम लो। ठीक है, तो इससे तुम्हारे वो 3 घंटे भी मैनेज हो जाएंगे आराम से। ठीक है, और जो इनको 3 घंटे का डाउट रहता है ना, भैया एग्जाम में कैसे बैठूंगा 3 घंटे, तो यार मुश्किल से 10-15 टेस्ट दे दोगे ना अगर, तो समझ आ जाएगा 3 घंटे कैसे बैठना है वहाँ पे। ठीक है, तो बिल्कुल जब मन करे तब पढ़ो, नहीं तो तुम्हारी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते ना जो बोलते हैं भैया मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, भैया मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, पर भैया कुछ समझ नहीं आता है। तो दिक्कत यही है, क्योंकि तुम पढ़ते नहीं हो, तुम्हारा दिमाग कहीं और रहता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं उन वाले बच्चों के, भैया मुझे समझ नहीं आता टाइम कहाँ चला जाता है। ठीक है, तो फाइंड आउट कैसे करना है इस चीज़ को। तो यार एक बुक मैं अभी पढ़ तो नहीं रहा था, मतलब एक बुक मैंने कहीं, मतलब कोई बता रहा था कि एक 7 Habits करके एक बुक है, उसके अंदर एक चीज़ लिखी गई है जो कि यार काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, तुम्हें फाइंड आउट करना है तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है। जब भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसकी रात में एक 2x2 की मैट्रिक्स बना लेना। ठीक है, ऊपर कॉलम्स में लिखना अर्जेंट नॉन अर्जेंट, रोज में लिखना इंपॉर्टेंट नॉन इंपॉर्टेंट। ठीक है,
और इसमें भरते चले जाना कि आज के दिन में तुमने ऐसे अपना टाइम कहाँ कहाँ दिया है, ठीक है। नॉन अर्जेंट नॉन इंपॉर्टेंट वाले कॉलम में जितने भी काम होंगे ना, तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इससे बिल्कुल ऑफिस को धीरे धीरे रिड्यूस करते चलाओ तो तुम्हारा पूरा समझ आ जाएगा कि कहाँ पे जा रहा हो, ये वाला टाइम फिर पढ़ाई में डाल दो तो तुम्हारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी डिस्कस हो गई, टाइम वेस्ट डिस्कस हो गया, टाइम कैसे बचाना है डिस्कस हो गया। भैया मेरा टाइम तो मोबाइल में जा रहा है, भैया मैं क्या करूँ, भैया मोबाइल कंट्रोल नहीं होता मुझसे, मैं तो बहुत एडिक्ट हो चुका हूँ यूट्यूब पर, मैं दिन भर बैठ के वीडियोज देखता रहता हूँ। तो यार एक फोकस नाम का ऐप आता है, ठीक है, उसको इंस्टॉल कर लो फोन पे, कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। मेरे को खुद ये ऐप कॉलेज के टाइम पता चला जब मेरे एग्जाम्स होने वाले थे, ठीक है, तो तब मैं काफ़ी मोबाइल एडिक्ट हो गया था, तो 2-3 घंटे के लिए बस फोन में डाल के रखता हूँ, 2-3 घंटे मोबाइल लॉक रहेगा, ठीक है, और मस्त बैठ के पढ़ो, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक टाइम सेविंग है। भैया आपने फिटनेस के लिए कुछ किया था, फिटनेस प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। तो यार मेरा स्कूल पास में था तो मैं तो साइकिल से स्कूल जाता था, साइकिल से आता था, ठीक है। उस वक्त मुझ तक मुझे कुछ नहीं पता था कि इस चीज़ के बारे में, पर कुछ ऐसी चीज़ हुई, मतलब मैंने अभी थोड़ा बहुत नेट पे रिसर्च किया, तो यार साइकिलिंग या फिर कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करने से तुम्हारे जो ब्रेन सेल्स हैं, जो न्यूरॉन्स हैं, वो वापस से बनते हैं, वापस से रीजनरेट होते हैं। तो उससे तुम्हारी, जब तुम कोई भी चीज़ से फिजिकल एक्टिविटी करके आते हो और तुम पढ़ते हो कुछ, तो तुम जल्दी कर पाओगे, जल्दी एब्जॉर्ब कर पाओगे, जल्दी ग्रास्प कर पाओगे, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, थोड़ा बहुत जब भी रात में शाम को थोड़ा बहुत घूम घाम के आ सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत साइकिलिंग करके आ सकते हो, इससे रिफ्रेशमेंट भी हो जाएगा और तुम्हारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने में भी हेल्प करेगी, ठीक है। दिन भर बैठ के घर में बैठ के पढ़ाई होने में थोड़ा दिक्कत है, ठीक है भैया, अभी तो COVID-19 चल रहा है, मैं कैसे जाऊँ साइकिल चलाने, तो यार घर में ही थोड़ा बहुत चक्कर वक्कर मार लो, ठीक है। बस फिर बात के लिए, नॉर्मल जनरलाइज वीडियो बनाने के लिए मैंने ऐसा बोल दिया है, अभी COVID-19 चल रहा है तो बस घर में घूम लो थोड़ा बहुत, ठीक है। तो यार बस यही था वीडियो के अंदर, ठीक है, यही बताने की 4-5 ही पॉइंट्स है, ठीक है, पर अगर तुम इनको अपनी लाइफ में डालोगे तो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ जाएगा, ठीक है। काफ़ी सारी तुम डाल के मुझे बताना कि कैसा तुम्हारा चल रहा है ज़िंदगी का शेड्यूल, ठीक है। मेरे को बहुत डिमांड आ रही थी भैया टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, अपने आप कैसे करते थे अपने टाइम को मैनेज, तो यार बस यही कुछ ट्रिप्स थी, ठीक है। उस वक्त मुझे भी नहीं पता था मैं ऐसा फॉलो कर रहा हूँ, पर जब मैंने इन चीज़ों को पढ़ा थोड़ा बहुत नेट पे, तब मुझे समझ आ रहा था कि हाँ ऐसा कुछ करता तो था मैं, ठीक है। और टाइम बचाने के लिए यार कुछ ऐसी टेक्निक्स और होती हैं, ठीक है, किसी और वीडियोस में और डिस्कस कर लेंगे, पर ये जो है यार मेन है और अभी तुम्हारे काम की यही है, ठीक है। कोई भी एग्जाम को फोकस कर रहे हो, 10th 12th कोई सा भी, सारी काम आएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही एंड करते हैं इस वीडियो को, नीचे लाइक है सब्सक्राइब है दबा दो, ठीक है, पेल दो उनको भी बिल्कुल, और एग्जाम को भी पेलना है, ठीक है, फोड़ना है इस बार एग्जाम, और बहुत दिनों से नहीं बोला यार, मेहनत करो और छीन लो, ठीक है, बिल्कुल मेहनत करो फोड़ दो सब कुछ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक मेहनत करो छीनो।